नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज टीवी पर दिन भर एक लाइन चलती रही, लाल किले से लेकर लाल चौक तक आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव के दौरान किस तरह से पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी का भाषण दिखाया जाना था, लाल किले से जो संबोधन कर रहे थे उनका भाषण दिखाया जाना था। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले से, प्रधानमंत्री ने क्या बोला ये देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या क्या प्रधानमंत्री ने रोड मैप दिया है, सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया है, उसका लेखा जोखा हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। लेकिन श्रीनगर के अंदर बड़ी बड़ी LED लगा करके माहौल बनाया गया, लेकिन उनको सुनने के लिए लोग नहीं आए। श्रीनगर की एक वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह से नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, लाइव उनका टेलीकास्ट चल रहा है, लेकिन सुनने के लिए दूर दूर तक कहीं पर भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? 5 अगस्त 2019 और उसके बाद में 5 अगस्त 2021 भी चला गया, 2 साल हो गए हैं श्रीनगर के लोगों को। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक श्रीनगर के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए हैं? आज उन्होंने लाल किले से नारा भी दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो वो सबका 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 तो इतना बार कहते हैं, लेकिन वो सब मिल क्यों नहीं पा रहे? वजह क्या है इसके पीछे? क्या केवल उनकी जो बातें हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो केवल शब्दों तक है? क्या वो ग्राउंड पर उतर नहीं पा रही है? वजह क्या है इसकी? आप पहले वीडियो देखिए और उसके बाद में श्रीनगर के, जम्मू के, कश्मीर के तमाम लोगों को जो ये वीडियो देखने के बाद में, हो सकता है कुछ BJP के समर्थक कहें कि ये लोग तो वो लोग हैं जो कभी तिरंगा थाम ही नहीं सकते, उनको एक वीडियो दिखाएंगे और उनको आभास होगा कि श्रीनगर के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग कितने देशभक्त हैं। वो एक वीडियो आपको और जरूर दिखाएंगे, इसलिए वो अंत तक जरूर देखिए। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है, पानी की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही है। जन औषधि योजना के माध्यम से गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। अब कुछ एक लोग कह सकते हैं कि श्रीनगर के, कश्मीर के लोग तो तिरंगा झंडा थामना ही नहीं चाहते, उनको एक वीडियो दिखाते हैं। बुरहान वानी के पिताजी ने स्कूल के अंदर तिरंगा झंडा भी फहराया और तिरंगा झंडा फहराने के साथ साथ वहां पर राष्ट्रगान का भी जो है वो आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, अब क्या कहेंगे श्रीनगर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को? जो लोग पहली वीडियो देख करके कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए नहीं आए तो वो आतंकी हैं, वो लोग देशद्रोही हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात को समझना जरूरी है कि मोदी जी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी जी देश नहीं है, देश बहुत बड़ा है। सरकार से किसी की आपत्ति हो सकती है, किसी की मौजूदा प्रधानमंत्री से भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन देश से, तिरंगे से हर किसी को प्यार है। आप ये वीडियो देखिए, बुरहान वानी के पिताजी हैं, किस तरह से उन्होंने अपने स्कूल में तिरंगा झंडा भी फहराया है और वहां पर राष्ट्रगान भी हुआ है, देखिए। मुजफ्फर वानी की ये वीडियो आपने देखी, NDTV ने भी इस खबर को छापा है, NDTV ने खबर को छापा है और ये तस्वीर आप देखिए, बुरहान वानी के पिता हैं,
और उनके साथ में एक सिख और हैं, वो वहां के ऑफिसर हैं या उनके साथी हैं ये कह नहीं सकते, लेकिन ये तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और यहां पर एनडीटीवी ने लिखा है कि जुलाई 2016 में दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में 5 महीने तक संघर्ष होता रहा, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। उस जगह पर भी तिरंगा लहराया जा रहा है, उस जगह पर भी राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनको आप ये कहकर के खारिज नहीं कर सकते हैं कि ये देशद्रोही है या तिरंगा झंडा थामना नहीं चाहते हैं। अगर बुरहान वानी के पिता जो हैं वो अगर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं तो वाकई एक बड़ी बात है। आगे इसमें लिखा है कि कश्मीर के त्राल में एक सरकारी स्कूल में मुजफ्फर वानी द्वारा तिरंगा फहराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। याद दिला दें कि मुजफ्फर वानी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के पिता है। आतंकी बुरहान वानी को सेना ने 2016 में मार गिराया था। बुरहान वानी की मौत पर घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा फैली थी। मुजफ्फर वानी पुलवामा के त्राल में एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाए, और ये हुआ भी है। अब आपको आप इनको ये नहीं कह सकते हैं कि तिरंगा झंडा हाथों में थामना नहीं चाहते। हेडमास्टर है बुरहान वानी के पिता और उन्होंने अपने स्कूल में ये झंडा लहराया, और इसीलिए मैंने कहा कि इनकी जो नाराजगी है वो एक मौजूदा सरकार की तरफ हो सकती है, वो एक प्रधानमंत्री की तरफ हो सकती है, लेकिन देश से इनको प्यार है, और देश से प्यार है इसीलिए ये वहां पर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग ये कहें कि हाँ वो तो तिरंगा थामना नहीं चाहते। देखिए बात यह है कि हाँ इस मौके पर एक मीडिया को, मीडिया का जो तबका कर रहा है लाल चौक में जाकर के, बहुत सारे जो चैनल हैं वो लाल चौक में जाकर के वहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लाल चौक पर भी तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। अच्छी बात है, करिए प्रोग्राम, लेकिन बड़ी बात यह है कि कश्मीर के लोगों की बात भी तो सुननी होगी, कश्मीर के लोगों की बात भी तो दिखानी होगी। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होता है और वहां के लोग आते नहीं हैं? वो हमारे ही देश के लोग हैं। सोचिए कि अगर हम उनको बायकॉट कर दें, केवल एक जलसे का प्रोग्राम का तस्वीर अगर हम दिखाएं और ये तस्वीर हम ना दिखाएं, तो क्या उन लोगों के मन में कोई सही संदेश जाएगा? क्या वो लोग मुख्य धारा में वापस से आ पाएंगे? सवाल ये है। कश्मीर में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, जब 5 अगस्त को वहां पर धारा 370 को हटा दिया गया था, उस वक्त मैं खुद कश्मीर में गया था। कश्मीर के लोग भारत से प्यार करते हैं। कश्मीर के बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनसे मैंने बात की, उनका कहना यह था कि हम पाकिस्तान में क्यों जाएंगे, पाकिस्तान खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, हम वहां पर क्या लेने के लिए जाएंगे, बस भारत सरकार हमारे से अच्छे से बात करे, भारत सरकार का नजरिया हमसे अच्छे से रहे। सरकार और जो एक उत्तर भारत में, खास करके यूपी बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में एक जो धारणा बना दी गई है, उस धारणा से उन लोगों के मन में आहत है। जब मैं 5 अगस्त 2019 को जब 370 को हटाया गया, उसके बाद में मैं कश्मीर में गया, तो यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया था कि हम कश्मीर से गोरी गोरी लड़कियां ला करके यहाँ पर शादी करवाएंगे। ऐसे से बयानों से वहां के लोगों को दुख पहुंचता है और वहां के लोग हमसे कटते हैं। तो सवाल यह है कि उन लोगों के साथ में खड़े होने का, उन लोगों को अपने साथ में खड़े करने का वक्त है। आप उनको नकार दें जबरदस्ती फोर्स से, आप उनको एक काम करने के लिए मजबूर करें, उससे नहीं होगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था उसको कहीं ना कहीं अमल में लाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेने की जरूरत है। कश्मीर में काफी कुछ किया गया है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, लेकिन कश्मीर में जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए वहां के लोगों से मिलना, मेलजोल बढ़ाना वो जरूरी है, क्योंकि तभी आप कश्मीर और कश्मीरियों को जीत पाएंगे। केवल हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें कश्मीरी भी चाहिए। जितना कश्मीर हमारा है उतने ही कश्मीरी भी हमारे हैं। हम कश्मीर से प्यार करें और कश्मीरियों से नफरत करें, ये नहीं हो सकता। बहरहाल 15 अगस्त के मौके पर कश्मीर में भी तिरंगा झंडा फहराया गया, कश्मीर में भी राष्ट्रीय गान गाया गया, और ये सालों से पहले भी होता हुआ है और एक बार फिर से आज ये हुआ है, ये अच्छी बात है। इस खबर को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि असली कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। केवल लाल चौक का कश्मीर नहीं है, केवल
जो डल लेक है उसके आसपास का कश्मीर नहीं है, कश्मीर पूरा का पूरा कश्मीर है और पूरा का पूरा कश्मीर भारत के साथ है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।